दक्षिण जी को चुनरी पहनाएंगे और आप सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे चिंता कर रहा था कि ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है कि जिस पार्टी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सन 53 से शुरू होकर क्योंकि जीते जम्मू कश्मीर सुनने की चिड़िया तो बसोली की सुनने की चिड़िया बनाने की कोशिश करो ताकि सारे लोग इतना पता लगे कि सुनने की चिड़िया ने चलाई 70 साल आने लगातार चलते हुई है किन्ने बार जानकि साढ़े MLA आए कार्ड तोड़ जानकि वोट बेच है ताकि पता लगे कि बसोली या दर्शन और जीते हैं और मैक्सिमम वोटें कहीं जीते हैं ये किए कम पड़ेगा जल मेरा कार्यकर्ता मेरा मेरे भ्रा हर ग्रां च हर महल च हर घर च दर्शन दे जानकि हर जो आगे दर्शन जी के वोट दे मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का माने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हमारे अशोक कोल साहब का और हमारे बहुत ही आदरणीय सीनियर पार्टी के नेता हमारे पूर्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शमशेर सिंह मनास जी का हमारे DDC चेयरमैन कर्नल साहब का और जितने भी आज यहाँ जनता जो मेरा नामकरण भरने में जहाँ पे आए हुए हैं मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने सबने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो कोई भी परिवारवाद की सोच को लेकर नहीं चलती है, ये एक ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। उसी का फल सुबह आप देखेंगे कि आज एक छोटे से गांव से और एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जो बसोली विधानसभा का मैंडेट दिया है, मैं सभी अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे बसोली की जितनी जनता है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे ज़िले की टीम हो, मंडल की टीम हो, या हमारे मोर्चों की टीमें हों, हमारे बूथ प्रेसिडेंट हों, शक्ति केंद्र उप प्रमुख हों और हमारे आम नागरिक हों, सबके मन की आवाज़ थी, उनकी मन की इच्छा थी कि जो मैंडेट है दर्शन भाई को मिले और सबकी मनोकामना पूरी हुई है। आज आप उत्साह सबका देख रहे हैं। क्या प्रायोरिटी रहने वाली है सर? जो भी हमारी बसोली विधानसभा के लिए बेहतर होगा हम करने का प्रयास करेंगे। सबका, जितने भी हमारे सीनियर पार्टी के लीडर हैं और जितने भी हमारे सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, सबका मार्गदर्शन लेके बसोली के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। चौधरी साहब बहुत पुराने लीडर हैं और बड़े लीडर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। मैं उनके लिए एक ही संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि वो हम लोगों की वजह से ही उन्होंने 25 साल जो है बसोली विधानसभा पे राज किया है और आज यहाँ के जो लोग हैं अब उनको ये उनसे निवेदन कर रहे हैं और मैं अपने बुज़ुर्गों से जो भी उनके साथ जो हमारे लोग चल रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि उनको याद कराइए वो दिन। उन्होंने खुद कहा था कि जिस दिन इनका बसोली का कोई भी इनका अपना जो कैंडिडेट कोई इलेक्शन लड़ेगा उस दिन के बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उनको मुझे, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए और निर्विरोध बसोली विधानसभा की सीट जो है उनको घोषित करनी चाहिए कि जिसकी जिंदाबाद।
जिसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में होगी और उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा और उनके भी दया दिल की एक बात बिल्कुल मौका देने जा रहे हैं। भरपूर लोगों का सहयोग आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है और मैं सभी अपने लोगों से अपनी जनता से और अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से जिस प्रकार मुझे स्नेह और प्यार दे रहे हैं इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखे। एक सीधी सी बात है, जिस प्रकार की लहर हम कश्मीर में कह सकते लेकिन पूरे जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मैं अभी कल भी यानी कि रजौरी गया था, परसों यानी कि मैं डोडा में था, रामबन था और लोग उमड़ कर आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर है कि हम जो टारगेट रखा हुआ है आने वाले दिनों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनाकर अपने बलबूते पर जो पिछला अधूरा काम था उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकार मिल बैठकर जो जम्मू कश्मीर का विकास आज तक हुआ है, बीच में अगर कुछ रह गया है तो उसका पूरा करने का प्रयास करें। आदरणीय मोदी जी की तरफ से आज तक कोई कोताही नहीं हुई, जम्मू कश्मीर को कभी पिछड़ा नहीं रखा गया, उन्हें हर प्रकार का काम करने के लिए आपने देखा हुआ है, जहाँ पर जिस प्रकार का निर्माण चाहे PMGSY का हो चाहे दूसरा हुआ हो कितना हुआ होगा, इस प्रकार सारा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं और आने वाले दिनों में भी जुड़कर इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे ताकि हम मैक्सिमम सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएं। कांग्रेस गठबंधन को कितना देखते हैं? तो कारण यह है कि उनको पहले से ही लगा कि हम हारे हुए हैं, अगर हारे हुए ना लगता तो वो अलग से यानी कि अलायंस नहीं बनाते। अलायंस बनाने का मतलब ही यही है कि हम यानी कि वहाँ पर श्रीनगर से तालमेल बैठाएंगे, जहाँ पर बैठाएंगे, और उनका जिस प्रकार का बोलचाल है अभी परसों जिस प्रकार वो कह के आए हैं, क्योंकि जम्मू के प्रति तो वो कभी रहे नहीं, चाहे राहुल रहा हो चाहे फारूक रहा हो, हमेशा जम्मू के साथ न्याय नहीं दे पाए वो, तो हम सब जानते हैं जम्मू वाले कितना उसका साथ देंगे वो भी जानते हैं। तो बेसिकली आज तो कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, हम वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकाल कर लाएंगे। देखो हम किसी से मुकाबला समझते नहीं, हम सहते हैं, हमारा कार्यकर्ता जब जुटकर लगता है, आइए आपने देखी हुई इतनी बड़ी रैली, तो उसे लगता है हमारा कोई टक्कर है ही नहीं किसी के साथ भी, इसलिए आराम से हम सीट जीत जाएंगे चाहे कोई भी आए। सर क्या देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और अभी आज जो है पीपल कॉन्फ्रेंस जो मैनिफेस्टो आ जाए है, तो भाजपा का अभी तक मैनिफेस्टो की के लिए क्यों नहीं आया? भाजपा का मैनिफेस्टो आज शाम को 3:30 बजे आने वाला है, 3:30 बजने वाले होंगे, आदरणीय अमित शाह जी यानी कि जहाँ पे पहुँचने वाले आपके सामने सारी चीज़ें हैं, उस 20 पॉइंट हैं, उसमें एक एक पॉइंट पर हमने चर्चा की हुई है। उनका जो अलायंस है जिस प्रकार का है उन्होंने सारा फोकस किस पे किया हुआ है वो आप सब जानते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए आप हमारा मैनिफेस्टो देखने के बाद आप खुद यानी कि कंपेयर कीजिए, दोनों का यानी कि बैठाइए, आपको पता चल जाएगा हम क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। लोगों को राहत मिल सकती है पक्का 100%।